अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और सबको, आप सबको ईद मुबारक। आज ईद का दिन है और हम सारे रूममेट्स तैयार होकर बैठे हुए हैं। ये मेरे रूममेट्स हैं, मुश्ताक, शज़ेब, मिस्टर असलम और ये अदनान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सारा हफ्ता काम कर कर के सारे थके हुए हैं एक छुट्टी लिया सब ने, तो अभी ईद की नमाज के लिए निकलने लगे हैं। पाकिस्तान में ईद की सुबह होती है सेवियां खा के, और यहाँ पर हम मुंह मीठा कर रहे हैं इनसे अभी बस वापस आके जो है हम खाने पीने का भी इंतज़ाम करेंगे, अभी तो नमाज़ के लिए चल रहे हैं। हाँ जी शज़ेब भाई, आपने इस पे नमाज़ पढ़ने जाना है ये देखो जी, फोटो सेशन हो रहा है, ईद मनाई जा रही है। कितना मजा जी भाई, मजा आ रहा है यूके की ईद का आपको? जी भाई, अभी तो माशाल्लाह घर से निकले हैं तो मजा आ रहा है। फिलहाल वहाँ पे जाके पाकिस्तानी कम्युनिटी से, एशियन कम्युनिटी से मिलेंगे, वहाँ पे पता चलेगा असल में कैसा है, मतलब यहाँ पे, क्योंकि हमारा भी फर्स्ट टाइम है। तो सही है। और मुश्ताक भाई, आप क्या कह रहे हैं? बहुत मजा आ रहा है। कितना मजा, अभी तो घर से निकले हैं, मस्जिद जा रहे हैं, नमाज पढ़ेंगे, दिल को सुकून होगा माशाल्लाह। रमजान के बाद ये मुश्ताक भाई सारे रोजे हमें सहरियाँ बना बना के खिलाते रहे भाई, आपका शुक्रिया, आपने हमें रोजे रखवाए, काम से आके भी जो है ना सहरी के लिए पराठे बनाए, और वो शजीब भाई बातें सुनाते रहे। हाँ जी भाई, आपकी ईद कैसी? भी हमारे एक रूममेट हैं मिस्टर असलम, हेल्थ इंस्पेक्टर रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अंकल जी, अपना इंट्रोडक्शन करा दो थोड़ा। मैं हूं अकरम वल सिफातुल्ला, 103 जीन दे बरनाला फैसलाबाद। सही है। यहां मैं आया हूं दौरा करने। सही है। और आपकी क्या पोजीशन थी पहले, आप कहां काम करते थे? पहले मैं लंदन, पहले दुबई था। ओके। वहां पोल्यूशन कंट्रोल ऑफिसर। ठीक है। ऑक्यूपेशनल हाइजीनिस्ट। और फिर आगे लंदन काम किया 35 इयर्स, हेल्थ ऑफिसर। अब क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ? इन्वायरमेंट अब रिटायर हो गया। हेलो, अच्छा लिटिल आ गया, लिटिल रुक के आ गई राइट। ये जी मस्जिद आ गए हैं, 10:30 बजे जमात होगी, पार्किंग में लगाएंगे गाड़ी। भाई कौन सी मस्जिद में नमाज, इसमें 10:30 है क्या उसमें? रोज़ों में तो कन्फ्लिक्ट आ गया था दोनों मस्जिद का, एक दिन पहले वो वाली मस्जिद वालों ने स्टार्ट कर दिया था और बाद में ना, लेकिन ईद दोनों के अकॉर्डिंग आज ही है, तो हम जाएंगे अभी आगे उधर नमाज पढ़ेंगे। यार ये आपने ज्यादती की है, आप सब ने शलवार कमीज पहनी हुई है, और मैं गलत बात है, आपको बताना चाहिए था कि आप सब ने अरेंज किया हुआ ये काम, पाकिस्तान से लेकर आए हो आप? जी जी, स्पेशल ईद के लिए मंगवाए हैं। जबरदस्त मुझे भी बताते यार, सारे शलवार कमीज पहनते हम। Process how to pray the Eid Salah. This is the wajib Salah for every Muslim. So what we need to do, first of all, we have to listen to the Imam. The first we're going to pray, and how to pray is that Imam will say Allahu Akbar. We have to raise the hand and tighten up on the belly, and we have to recite the Sana. And then Imam will say Allahu Akbar next time, you have to raise the hand and leave it on the side. And then third time, Allahu Akbar, raise the hand till the ears and leave it on the side. And the fourth time, when the Imam will say Allahu Akbar, you have to raise the hand
and tighten up on your belly again, and Imam will recite the Surah Fatiha and any surah from the Quran. जी तो बस ये थी हमारी ईद, ईद की नमाज पढ़ ली है, अब जा रहे हैं घर बस। बस जी हमारी ईद यही थी, नमाज पढ़ ली, लोगों से मिल लिए, खाना शाना खाया, बस अब सबने अपने अपने कमरों में बैठ गए हैं, अपने घर वालों से बातें कर रहे हैं और सो जाएंगे बस, और कल से फिर वही असाइनमेंट्स और काम, सारी टेंशन शुरू। अच्छा लगा काफ़ी, पाकिस्तान कम्युनिटी थी काफ़ी ज़्यादा, सबसे मिले, बहुत अच्छी फीलिंग्स थी। खैर अब मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।